हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवान। सो मेरी इस चैनल ड्रीमर में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, मैं इस चैनल में आज आप सबको बताऊंगी कि हाउ टू डू अ बिगिनर्स मेकअप विद द बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस। सो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा फाउंडेशन और कंसीलर मार्केट में अच्छा है, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये मेबेलिन नियो का फिट मी फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा है, मेरा शेड 128 है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर किया है। एंड कंसीलर, प्रो कंसीलर, ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है चेहरे के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए हम मेकअप शुरू करते हैं। सो पहले आप अपने फेस पे गाइस मॉइस्चराइज़र लगा लो। दोस्तों जैसे कि मेरा मॉइस्चराइज़र लग गया है चेहरे पे, अब हम लगाएंगे प्राइमर का यूज़। मैं आपको बता दूं, हम प्राइमर का यूज़ इसलिए करते हैं चेहरे पे ताकि हमारा फाउंडेशन काफ़ी केकी ना लगे और चेहरे पे वो इवनली मिक्स हो जाए गाइस। और अगर आप अपना मेकअप सिर्फ चेहरे पे 2-3 घंटे के लिए रख रहे हो, आई सजेस्ट कि आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर। बट अगर आप उससे ज़्यादा रख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइमर ही यूज़ करें। लेट्स यूज़ प्राइमर। तो गाइस अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो मेरा फाउंडेशन अच्छे से पूरे चेहरे पे हो गया है इवनली। एंड अगर आपके पास ये ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है दोस्तों, तो आप अपने रिंग फिंगर से भी ऐसे ऐसे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो मेरा फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से लग गया है। अब हम लगाएंगे अपना कंसीलर। कंसीलर को हमेशा ट्रायंगल शेप में नीचे की तरफ लगाना है। रीज़न ये होता है गाइस क्योंकि डार्क सर्कल्स नीचे ही आते हैं हमारे। आप इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में लगा लीजिएगा। एंड और भी कहीं अगर आपको लगे डार्क है चीज़ें लगा सकते हो। काफ़ी लोग कॉन्टोर करना पसंद करते हैं, बट मैं कॉन्टोरिंग नहीं पसंद करती, इसलिए मैं सारे चेहरे को इवनली रखना पसंद करती हूँ। अब इसको अच्छे से डैप कर लेंगे हम। एंड ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर इसको ऐसे भी। एंड ये काफ़ी अच्छा वे रहता है दोस्तों, ईजी रहता है। गाइस मैंने अच्छे से अपना कंसीलर भी ये कर दिया है मिक्सअप फेस पे। और जैसे कि हम आई शेडो लगाएंगे, तो आई शेडो काफ़ी अच्छे से कलर उसका दिख गया है, इसलिए हम थोड़ा सा कंसीलर यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसे लग चुका है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आई शेडो पार्ट पे कंसीलर लग गया है, चीज़ें काफ़ी इवनली लग रही हैं। अब हमारे आईज़ के नीचे हम लूज़ पाउडर लगाएंगे, बट यहाँ पे फ़िलहाल मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ये कॉम्पैक्ट लग चुका है यहाँ पे। इसी के साथ साथ हम थोड़ा इसको यहाँ पे भी लगा लेंगे अच्छे से। ये हमारा हो चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ब्लैक काजल भी शेडो लगाएंगे। मैं काफ़ी लाइट फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि ताकि काफ़ी नेचुरल दिखे, बट आप अपने हिसाब से कोई भी आई शेडो कलर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आई शेडो लग चुका है, अब हम आईलाइनर लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पसंद करते हो, बट मैं काफ़ी लिक्विड आईलाइनर यूज़ करती हूँ, तो हम इससे लगाएंगे आईलाइनर।
बंद करो यार इसको। लेकिन व्हाइट काजल लगाने से आपकी आंखें थोड़ी ब्रॉड दिखती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट काजल लगाएंगे, पूरा नहीं हल्का सा व्हाइट काजल लगाएंगे। एंड देन इसको हल वापस इस पे ऑर्डर दे दिया है। एंड जैसे मैंने व्हाइट काजल लगाया तो इससे चीज़ें का आँखें थोड़ी बड़ी दिखती हैं आपकी। एंड अब हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो हमारे लैशेस को ये थोड़ा वॉल्यूम दे देता है, दूसरी बात अगर कभी कहीं पे भी आप जा रहे हो एंड मस्कारा भी अगर आप सिर्फ मस्कारा एंड लिपस्टिक भी यूज़ करते हो गाइस तो आपके चेहरे पे एक अलग निखार होगा। जैसे कि आप देख सकते हो आई लैशेस काफ़ी अभी दिख रहे हैं अच्छे से। सो हम मस्कारा को एज अ आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर लेंगे गाइस। ये देखिए जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया, लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है, आपको अलग से आईब्रो पेंसिल के पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड हम लिपस्टिक पार्ट पे आते हैं। मैं लिपस्टिक के लिए लिप लाइनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक अलग लुक देता है। तो ये हमारा लिप लाइनर हो गया, ये हमारा लिपस्टिक का शेड हो गया। एंड एट द एंड काफी लोगों को हाइलाइटर्स पसंद होते हैं, जिनको पसंद है उनके लिए सजेस्ट की आप लगाओ। एंड इसे मेन चीज़ यहाँ लगाइए, आईब्रोज के कॉर्नर पे, ताकि ये एरिया काफ़ी दिख गया है। सेकेंड पार्ट कुछ लोग अपने नोज पार्ट को कंट्रोल करना पसंद करते हैं गाइस, सो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप नोज पे भी हाइलाइटर्स लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे ये पार्ट काफ़ी हाईलाइट करने लगा है इंस्टेंट। एंड एक यहाँ पे मैं हाथ से लगाना प्रिफर करती हूँ, या तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश नहीं है गाइस तो आप इसको ऐसे कीजिए, नॉर्मल ब्रश को ऐसे यहाँ पे पिन लगा दीजिए। एंड अगर ये ऐसा हो गया तो आप इसे ऐसे लग कर सकते हो, बट मैं रिंग फिंगर ही प्रिफर करती हूँ। सो हम इसे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा मेकअप होता है फुली कंप्लीट। आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का चेंज। ये है बिगिनर्स के लिए एडवाइस मेरी कैसे यूज़ करें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। और यस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।